नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुजी आरती में। दोस्तों हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत सारा प्यार तो मुझे मिलता ही है, साथ में बहुत सारा सवाल भी मिलता है आप लोगों का। तो मैं कई बार आप लोगों को जो है कमेंट्स के माध्यम से या फिर जो है मेल के माध्यम से आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, पर कई लोगों का ये होता है कि मतलब उनका अनुरोध होता है ये कि एक बार जो है सवाल जवाब का एक सेशन भी बनाया जाए। उससे जो है कई लोगों को अच्छा भी लगेगा और उससे जो है कई सारी जानकारी, बहुत सारे लोगों के मन में वो प्रश्न हो सकते हैं या पर कई लोगों को दूसरे के सवाल से जो है एक के सवाल से दूसरे को भी जो है जवाब मिल जाएगा इस कारण से। तो ऐसे ही कुछ सवाल जो है मैंने ले लिया है, मैंने 10 लिया है। मैंने एक्चुअली पहले 7 लिया था, अभी जो है 10 लिया है। अब देखते हैं उसके साथ भी कितने ले पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये हमारे कानपुर से हमारे एक भाई ने लिखा है। तो ये सवाल मेरा, ये टैप ना एक्चुअली पुराना हो गया है, ये बार बार ओपन करना पड़ता है, बार बार चला जाता है। तो कानपुर से एक सवाल आया है, क्या धुनजी धूप करने के लिए धुनजी पात्र का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है? अच्छा, बिल्कुल, धुनजी धूप अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो है पीतल के धुनजी पात्र का ही इस्तेमाल करना चाहिए और जो है आपको उसे धोकर ही जो है हर बार इस्तेमाल करना चाहिए। अगर संभव होता है तो एक साथ आप दो धुनजी खरीद लीजिए, आप उससे जो है निवेदन और सेवा एक से कर पाएंगे और एक दूसरे से जो है केवल मात्र आरती के लिए आप अलग रखिए और सेवा निवेदन आदि के लिए आप दूसरे धुनजी का उपयोग करिए, वो जो है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप, मैं सभी को कहता हूँ कि जब भी आप धुनजी खरीदे तो उससे जो है ना आप दो धुनजी खरीद लीजिए और इससे जो है आपको आसानी होगी पूजा आदि के विषय में जो है। दूसरा सवाल आया है इंदौर से, उनका कहना है कि क्या मिट्टी के जो धुनजी है उससे जो है एक ही धुनजी से रोज धूप किए जा सकते या नहीं? देखिए, केवल मात्र जो है ना आप अगर जो है सुगंध के लिए धूप चला रहे, घर में बहुत सारे लोग सुगंध के लिए धूप चलाते, तो उसके लिए मिट्टी की धुनजी आप उसमें कर सकते, एक महीने आदि जो है जला सकते। वैसे कहा गया है कि पक्षकाल तक, यानी कि 15 दिन तक जो है अगर आप धूप विलास यानी कि सुगंध केवल मात्र देने के लिए धुनजी जला रहे हैं तो उसमें आप दे सकते हैं, पर अगर भगवान के आप धूप सेवा पूजन आदि करना चाहते तो उसमें एक बार ही जो है मिट्टी की धुनजी अगर है तो उसे एक बार ही जलाना चाहिए। मिट्टी की वस्तु जो है एक बार के बाद जो है ना वो झूठा हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा कि अगर आप नित्य दिन करना चाहते तो आप जो है दो धुनजी का ही इस्तेमाल ज़रूर करिए, पीतल के दो धुनजी आप रख लीजिए, उससे ही आप अच्छा होगा। यानी कि कम से कम एक धुनजी जो है वो अगर आप अब दो अगर नहीं खरीद पा रहे अभी, अगर आप एक ही खरीद रहे तो मैं कहूँगा पीतल वाला ही। और बहुत सारे लोग मुझे उस एक सवाल ऐसे ही मिले हैं, मैं उसमें वैसे बाद में ही आता हूँ। तो दूसरा वाला, तीसरा सवाल ये है, ये इन्होंने एक्चुअली नहीं लिखा है कि वो कहाँ से। आप लोग जब भी ना मुझे मेल आदि करें तो आप लोग कहाँ से हैं मुझे थोड़ा आप लोग लिख दीजिएगा, उससे जो होता है समझ में आ जाता है मुझे कि वो वहाँ की संस्कृति के आधार पर सवाल आदि कर रहे हैं या नहीं, इससे जो है ना समझ में आ जाता है दोस्तों। तो इनका सवाल है कि क्या धुनजी धूप में जो है बताशे मिछड़ी आदि जो है वो रोज चढ़ाया जा सकता है? इस बार बहुत सारा एक्चुअली ये सारे सवाल मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि ये बहुत सारे धूप धुनजी से रिलेटेड, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे रिलेटेड सवाल आए। रिलेटेड सवाल बहुत कम आते हैं, बहुत ही जो है ना जो रिलेटेड नहीं है वो सवाल आते हैं, रिलेटेड सवाल बहुत कम आते। हमारा चैनल धूप धुनजी आरती है तो आप इस विषय के ऊपर जितना सवाल आदि करेंगे इसके रिलेटेड जो भी है ना उससे अगर आप जो है सवाल आदि करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। तो हाँ, नित्य दिन जो है ना आप बताशा, गुड़ घी या फिर गुड़ बताशा या फिर मिछड़ी आदि जो है घी के साथ, घी और शहद के साथ जो है आप धुनजी धूप में अगर धूप हवन आप करना चाहते हैं, धूप हवन या फिर धूप सेवा आदि धूप निवेदन में भी जो है धूप नैवेद्यम जिसे कहा जाता है उस प्रकार से आप जो है वो
चढ़ा सकते हैं, भगवान को निवेदन कर सकते हैं। निवेदन मतलब ही नैवेद्यम होता है, धूप नैवेद्यम कर सकते, धूप सेवा में भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ओ अच्छा, इसके साथ इन्होंने एक और भी सवाल लिखा है कि क्या इसके साथ जो है पंचवायु जो मुद्रा है वो अगर दिखा जाए तो क्या वो गलत होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही होगा। अगर आप धूप नैवेद्यम दे रहे हैं तो नैवेद्यम दे रहे हैं, आप अग्नि माध्यम से, गंध माध्यम, वायु माध्यम से, गंध माध्यम से जो है भोग चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो उसमें गलत क्यों होगा? पंच प्राण मुद्रा आप अवश्य दिखाइए, किसी भी प्रकार की कोई गलत बिल्कुल नहीं है उसमें। अच्छा, चौथा सवाल जो है इन्होंने दक्षिण भारत से लिखा है, इन्होंने लिखा है कि दादा आपके चैनल मैं बहुत देखता हूँ, हमारे यहाँ के जो पूजा पद्धति है उसके साथ कई सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मिलता है, और वैसे तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, एक्चुअली उन्होंने इंग्लिश में जो है हिंदी में लिखा है, तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल आपकी हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। एक मिनट, हमारे यहाँ के पूजा अर्चन से ये बहुत मिलता है, हमारे यहाँ पर भी विशेष पूजाओं में 21 धूप अर्चन किए जाते हैं, कई जगह पर दीप अर्चन भी करते हैं, आराधनाई दीप और धूप दोनों की होती है, कई समय जो है सुबह के समय धूप अर्चन होती है केवल, और दीप अर्चन संध्या के समय किए जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक्चुअली अपना वहाँ के एक्सपीरियंस जो है, मतलब उनके अनुभव जो है हमारे साथ शेयर किया है। बहुत अच्छा लगा, आप धूप धुनुची आरती चैनल को इतने अच्छे से देखते हैं और उसके विषय आप लोगों को अच्छे लगते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब बातें जब मैं सुनता हूँ ना, मैं कई समय ये सोचता हूँ कि क्या चैनल मैं चलाऊँ बहुत दिन तक, ज़रूरी है कि अब तो बहुत सारे वीडियो हो भी गए हैं, 800 के करीब वीडियो बनने वाले हैं, तो अब शायद बहुत सारी चीज़ें कंटेंट कवर हो चुके हैं, अब शायद ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर जब मुझे ऐसे कमेंट्स मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, कि ऐसा लगता है कि नहीं, सच में ही धूप धुनुची आरती जो है वो पूरे भारत भर में जो है ना लोगों को जोड़ रहा है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं ऐसे कमेंट्स जो है वो पढ़ता हूँ दोस्तों। तो दक्षिण भारत में बिल्कुल ये धूप अर्चन आदि ये सब कुछ, एक्चुअली मैं भी जब तेलंगाना में रहता था हैदराबाद में, तब भी मैंने जो है ना इसके कई सारे विषय नोटिस किया था, उसी जगह से मुझे जो है ना बहुत सारे आइडिया भी मिले थे। तो दक्षिण भारत में जो है भारतीय संस्कृति का आज भी, मतलब प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक भारतीय संस्कृति का सनातन रूप अभी भी अगर कहीं पर जो है ना नित्य दिन अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो दक्षिण भारत है। मैं हैदराबाद में जितनी भी दिन था तेलंगाना में रहकर, मैंने ये महसूस किया था कि सच में वहाँ पर जो है भारतीय संस्कृति के सनातन रूप जो है आज भी जीवित है संपूर्णता से। केवल पूजा आदि में नहीं, खान पान आप बोल लीजिए, उनके पहनावा, उनके सोच जो है, हर चीज़ में जो है ना ये विषय जो है वो सजीव है एकदम से। उसके बाद एक जन ने सवाल पूछा है कि दादा इन्होंने सवाल पूछा है, ये कहाँ से है? अच्छा, बलिया से है। एक्चुअली थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया शायद उनसे। बलिया से जो है इन्होंने पूछा है कि धुनची पीतल के हैंडल वाला लेना चाहिए या उडन हैंडल वाला लेना चाहिए? वुडन हैंडल वाला अगर आप लेते हैं तो वो भी सही है, बहुत सारे लोग गर्मी आदि के कारण जो है वुडन हैंडल वाला लेते हैं, सही है वो। पर वुडन वाला वो मुरादाबाद आदि में ही बनता है, पर ट्रेडिशनल जो बनता है वो पीतल का ही हैंडल होता है, जो कि आपको बंगाल में, बनारस में, बिहार में आपको मिलेगा वो ट्रेडिशन। दक्षिण भारत में भी जो मिलेगा आपको ट्रेडिशनली जो बनता है वो पीतल का हैंडल ही बनता है। तो आप अगर ट्रेडिशनली लेना चाहते तो आप पीतल का ले लीजिए। अगर आप जो है गर्मी आदि इन सारे विषयों में सोच रहे हैं तो आप वुडन हैंडल वाला ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है उसमें, दोनों ही ले सकते हैं वैसे। दूसरा सवाल है, भैया क्या घर पे
सप्तवाती के दीपक जलाए जा सकते हैं, उससे आरती किए जा सकते हैं या नहीं। मैंने आपके वीडियो देखकर एक सप्तवाती का दीपक लिया है, पर मेरे रिलेटिव्स जो है वो मना कर रहे हैं कि सप्तवाती के दीपक जो है वो घर पे रोज नहीं जलाए जाते हैं, केवल जो है पांच बाती के दीपक ही घर पे जलानी चाहिए। तो मैंने बहुत शौक से लिया है, अब मेरा मन करता है रोज सप्तवाती दीपक जलाकर आरती करने को, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत दुविधा में हूँ, मुझे इस दुविधा से आप निकालिए। कोई दुविधा ही नहीं है इसमें। अयुग्म संख्या में आरती करने के बारे में कहा गया है, सप्त बाती जलाकर बहुत सारी जगह पर आरती की जाती है। बनारस में ज़्यादातर मंदिर में बाबा विश्वनाथ की जो सप्तऋषि आरती आदि होती है वो तो सप्त बाती जलाकर होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार की मतलब सप्त दीपक, सप्त एक होता है पंच आरती, एक होता है सप्त आरती, ये ज़्यादा प्रचलित है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है सप्त पंच आरती और सप्त आरती। तो पंच आरती केवल जला सकते घर पे, सप्त आरती नहीं जला सकते, किसने कहा? क्या होता है जो चीज़ हम ना बहुत कॉमन तरीके से देखते हैं, मतलब जो हमारे लिए बहुत कॉमन होता है, हम सोच लेते हैं हमें बस वही करना चाहिए, उससे अगर हम थोड़ा कुछ हटके या फिर दूसरा करने जाते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिलेटिव्स या फिर कोई भी लोग हो, किसी भी चीज़ में हो, आप चाहे खान पान की बात करें, आप चाहे पहनावे की बात करें, आप चाहे मतलब एक जन मुझसे बोल रहे थे कि लक्ष्मी पूजा में जो है केवल पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए क्या, लाल रंग के मैंने पहन लिए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो नहीं पहनना चाहिए। मुझे इसका सच में कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, प्रचलित शायद है कि वहाँ पर जो है पीले रंग के पहनने की या पर इस प्रकार का कुछ देखते आए हैं, तो लोगों को जैसे ही उन्होंने वो ब्रेक कर दिया तो लोगों को ऐसा लगा कि नहीं पीले रंग ही पहनना चाहिए दीपावली पर, पीले रंग के बिना शायद लाल रंग नहीं पहने जाते, ये भावना हो गई है। तो यही सारे विषय जो है ना बहुत गलत विषय है, और ऐसे सारे विषयों को बिल्कुल भी जो है आप ध्यान मत दीजिए। जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों को पैम्पर करेंगे, ये शब्द जो है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से समझ में आता है लोगों को, जितना आप इन सारे विषयों में लोगों को जो है चढ़ाएंगे, लोगों के इन सारे विषयों को जो है महत्व देंगे, उनके इन सारी बातों पर जोर देंगे और इसे लेकर आप सोचेंगे, तो वो जो है ना वो सफल हो जाएंगे और आप विफल हो जाएंगे। तो इसलिए इन सारे विषयों के बारे में बिल्कुल सोचिए ही मत। सप्त दीपक जो है मैं खुद जलाकर आरती करता हूँ, सप्त दीपक अयुग्म संख्या में, आप सात बाती, तीन बाती, सात बाती, पांच बाती, ये सभी चीज़ जला जा सकते हैं। नौ बाती, किसने कहा है कि गृहस्थों को जो है केवल पांच बाती जलानी चाहिए, सात बाती नहीं जलाई जाती, ये सब क्या फालतू की बातें। पहली बात तो लोगों को फैलाते हैं, लोगों के दिमाग में फैला कर जो है उन्हें भयभीत करते हैं, लोगों को शंका में रखते हैं, लोगों के विकार में जो है ना किसी प्रकार की चिंता में वो डाल देते हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई नियम आदि नहीं है। सप्त बाती से आप बहुत धूमधाम से करिए आरती, लोग जो है ना मतलब जो लोग मना कर रहे हैं आपको, आप जो है उन्हें बताइए कि अयुग्म संख्या में आरती करने के बारे में कहा गया है। पांच बाती से अगर आरती की जा सकती तो सात बाती में करने में भी कोई समस्या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल महत्व ही नहीं दीजिए। अगर फिर भी वो आपको बोले तो बिल्कुल मत सुनिए, आप अपनी आरती का कार्य जो है वो चालू रखिए। कुछ दिनों बाद देखिएगा आपके देखा था कि वो लोग ही सप्त बाती, उनके पास शायद नहीं होगा सात बाती का, तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ऐसा होता है कि उनके पास शायद वो नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं सात बातें नहीं चलाना चाहिए, पाँच बाती का ही ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, आप जो है ना इन सारे विषयों को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, आप सात बाती के दीपक जलाकर आरती करिए। इसके बाद का जो सवाल है कि क्या आरती हमें रोज करना चाहिए या नहीं, धूप आरती हमें रोज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, धूप आरती आपको रोज करना चाहिए। अगर धूप आरती रोज करना संभव होता है तो इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। धूप आरती ना बहुत आसान है कि आप धुनची धूप और दीपक जलाकर जो है आरती करिए, यानी कि पंच दीपक सप्त दीपक जो भी है आपका वो जला लीजिए और धुनची धूप जलाकर आरती करिए, ये हो जाता है धूप आरती।
धूप के साथ दीपक जलाकर आरती करना जरूरी होता है। केवल धूप की आरती धूप आरती नहीं कही जाती, धूप और दीप दोनों मिलकर जो है वो धूप आरती होती है। इसके बाद का जो सवाल है वो ये है कि क्या मंगलाचरण जो आरती है वो बनारस में देखा जाता है? जो आपने बताया कि मंगलाचरण जो मंगल आरती की जाती है धूप से, वो बनारस में देखने को मिलता है अगरबत्ती से करने को, तो क्या हमें भी अगरबत्ती से करना चाहिए या फिर जो है दूध ऊंची से ही करना होगा? एक्चुअल में क्या होता है बनारस में, वहाँ पर वैसे ही आप देख रहे हैं ना, वहाँ पर जो आरती कर रहे हैं 7 जन मिलकर जो है आरती करते हैं, 5 जन मिलकर भी कई कई जगह पर आरती करते, तो 7 जो है धुनची धूप उस समय जलाए ही जा रहे हैं। तो अगर और भी 7 जलाने पड़े यानी कि 14 जलाने पड़े तो थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसलिए जो है ना वो मंगलाचरण की जो आरती करते हैं वो अगरबत्ती से करते हैं, नियम की बस रक्षा करने, मतलब नियम पालन करने के लिए केवल, कि धूप आरती से, धूप से वो आरती करनी होगी, इसलिए जो है उस नियम का पालन करते हुए जो है वो धूप से आरती कर लेते हैं अगरबत्ती जलाकर ही, या फिर धूप काठी कहा जाता है उसे, उससे ही वो आरती कर लेते हैं और उसके बाद धुनची धूप से वो मूल आरती में प्रवेश करते हैं। पर जब अगर कोई एक जन कर रहे हैं, तो एक जन मान लीजिए कि आरती कर रहे हैं, घर पे आप पूजन कर रहे हैं, तो आप एक जन ही आरती करेंगे तो उसमें तो आपको 2 ही धुनची लगेंगे, उसमें तो आपको 7, अब वो जो वहाँ पर जो 7 पंडित जी जो आरती कर रहे हैं 7 धुनची तो जलाने पड़ रहे हैं, तो उसके साथ और भी 7 अगर मंगलाचरण मंगल जो प्रार्थना की आरती के लिए जलाना पड़े, धूप के लिए जलाना पड़े, तो और भी 7 यानी कि 14 जलाने पड़ेंगे। तो इस वजह से जो है मैंने एक्चुअली वहाँ पर पूछा था ये बात, जो पिछली बार जब मैं गया था तो उनसे मैंने पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि अगर व्यवस्था कर पाते तो बहुत अच्छा होता, पर एक ही समय में इतने सारे धुनची जो है जलाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए जो है अगरबत्ती से होती है और उसके बाद जो है ना धूप से आरती की जाती है। पर घर पे या पर साधारण तौर पे जो हम पूजा आदि देखते हैं वहाँ पर तो एक ही पंडित जी आरती करते, तो वहाँ पर दोनों धुनची जलाना कोई बहुत बड़ी समस्या के विषय नहीं है। तो वहाँ पर जो है 2 धुनची से ही आरती, मंगलाचरण की जो आरती होगी वो आरती, और जो मूल धूप आरती में हम प्रवेश करेंगे मंगलाचरण के बाद जो है वो भी जो है वो किया जा सकता है आसानी से, मतलब कोई समस्या है ही नहीं। वहाँ पर एक जन आरती कर रहे, 7 जन 5 जन जहाँ पर आरती कर रहे वहाँ पर एक साथ जो है 2-2 बार इस भाग को आयोजित करना थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये नहीं, वहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, नहीं, लोग सिर्फ होने से नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था भी करना पड़ता है, पात्रों को अच्छे तरीके से उसकी व्यवस्था करना, उसे सजाना, उन्हें जलाना, प्रज्वलन करना, तो ये सारी चीज़ें करना होता है। तो 7 जनों के लिए करना थोड़ा मुश्किल, तो इसलिए नियम रक्षा के लिए केवल जो है वो लोग उस प्रकार से धूप आरती करते हैं। पर घर पे आप अकेले कर रहे हैं तो दोनों धुनची चलाने में कोई आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। इसके बाद का सवाल है कि दादा क्या हम जो है सभी लोग दादा ही, दादा दादा दादा, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं कभी किसी का भी कमेंट पढ़ता हूँ, मेल पढ़ता हूँ, सभी लोग दादा दादा दादा, ये जो शब्द होता है मतलब सभी लोग जब एक ही कोई संबोधन से पुकारते हैं, भैया भी कुछ कुछ लोग कहते हैं पर दादा सबसे ज़्यादा है, मुझे कॉमन मिलता है ज़्यादातर जो लोग भी मेल करते कमेंट्स करते हैं वो दादा करते हैं, और ये जो भी लोग करते हैं वो बंगाल के नहीं है, वो ज़्यादातर बाहर से ही है, बंगाल के बाहर के ही है, वो ही दादा कह के पुकारते, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा सा रिश्ता है ये दोस्तों, बहुत धन्यवाद आप लोगों को इसके लिए। इस तरह से जो दादा दादा संबोधन करते हैं, इसे सभी लोग जब एक ही संबोधन करें ना तो एक अलग सा फील आ जाता है उसमें। तो उन्होंने लिखा है कि दादा क्या हम धूप सेवा से जो लक्ष्मी नारायण व्रत होता है बिहार में उसे कर सकते हैं या नहीं? उसमें सारी चीज़ों को पीले दिया जाता है, तो हमें जो है धूप में पीले क्या देना चाहिए? अच्छा, इसके बारे में मैं कभी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। तो पीले देखिए, जैसे गुड़ तो पीले ही है, जो गभ्यघृत होता है यानी कि गाय के दूध का जो कपिला घृत कहा जाता है उसे, वो वाले घृत जो होता है वो भी जो है वो पीले रंग का होता है, वो दे सकते हैं आप। पीले वाले जो राल है वो दे सकते हैं। एक को गूगल मिलता है वो थोड़ा
नारंगी टाइप का होता है, पीले पीले टाइप का, वो दे सकते हैं। जो सरल गुग्गुल होते हैं, शल्की जिसे कहा जाता है, वो जो होता है वो पीले रंग का होता है, वो दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप दे ही सकते हैं। और बाकी तो अष्टांग धूप, दशांग धूप आदि ये सब कुछ दिए ही जा सकते हैं, षडंग धूप, अष्टांग धूप आदि। उसके साथ साथ ये सारी पीली चीज़ जो है वो आप दे सकते हैं। इसके बारे में ना मैं आपको डिटेल्स में बाद में कभी वीडियो बनाकर बताऊँगा। अच्छा, इसके बाद का सवाल है, नित्य तारा माँ की सेवा में कौन सी धूप करना चाहिए। नित्य तारा माँ की सेवा में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी धूप आदि के बारे में तो बताया है, नित्य आप साधारण तौर पे अगर करना चाहते हैं नित्य माँ की धूप, तो उसमें आप जो है घृत के साथ राल गोकुल से ही आप करिए। नित्य की अगर आप करना चाहते हैं तो घृत के साथ राल गोकुल से करिए, वही जो है सही रहेगा। अगर उगर मिलता है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके साथ जो है मैं ये लास्ट वाला ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा इससे जो है। ये वाला लास्ट वाला ये सवाल है, अगर जो है हम भोग सेवा करते हैं तो क्या हम धूप सेवा का प्रचलन कर सकते हैं उसके साथ। हाँ बिल्कुल, भोग सेवा के साथ जो है इन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं रायपुर से। अच्छा, रायपुर से इन्होंने लिखा है, अगर भोग सेवा जो है प्रचलित है तो क्या धूप सेवा भी की जा सकती है। यानी हाँ बिल्कुल की जा सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप पहले भोग सेवा कर ले सकते हैं, या फिर पहले आप धूप सेवा कर लीजिए उसके बाद आप भोग सेवा कर सकते हैं, या फिर साथ में भी कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं है। अगर आप नित्य दिन करना चाहते हैं या विशेष दिनों में आप भोग सेवा के साथ धूप सेवा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान बस इतना रखिएगा कि भोग सेवा जिस भी पाटे में या फिर जिस भी जगह पर आप दे रहे हैं, धूप सेवा जो है ना उसके साथ जो है लगना नहीं चाहिए, मतलब उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, वो अलग आप रख कर करिए, ये जो है ध्यान में रखना है। और भोग सेवा धूप सेवा दोनों करके ही आपको आरती अवश्य करना है। तो दोस्तों मैं ये सवाल जवाब का ये जो विषय है, मैं आज का ये जो सवाल जवाब का विषय है वो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगले कभी जो है कुछ सवाल जवाब और लेकर आप लोगों के सामने जो है फिर से मैं हाजिर हो जाऊँगा और आप लोगों के सवाल जवाब देने का कोशिश करूँगा। मुझे सबसे ये वाले विषय बहुत अच्छा लगा कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा ना धूप धुनुची आरती मूल विषय है। ये विषय आप लोग अगर समझ जाते हैं और उस रिलेटेड सवाल करते हैं तो इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ पर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, जो भी हमारे चैनल को देखते हैं वो हमारे चैनल के सब्जेक्ट के विषय से देखते हैं। तो इस रिलेटेड जितनी भी सारे सवाल हैं, जितने भी सारे विषय हैं, और धूप के ना बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि धूप के इतने सारे विषय होते हैं या नहीं, धूप के करोड़ों तरह के पद्धति नियम होते हैं, दीप के करोड़ों तरह के पद्धति नियम होते हैं, हवन आदि के करोड़ों तरह के पद्धति नियम होते, पुष्प गंध अर्चन के जो है करोड़ों तरह के पद्धति नियम होते। तो इसलिए जो है ना केवल संक्षिप्त सोच से इसे मत सोचिए, इससे जो है ना आप कभी भी जो है आपका जो आराधना पद्धति है वो आप विस्तृत तौर पे जो है ना उन्हें समझ नहीं पाएंगे, केवल मात्र जो है कुछ चीज़ों में आप सिमट कर रह जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, तब तक के लिए।